हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्टसाई ऑनलाइन क्लास 10 चैप्टर 5 हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे एंड कंटिन्यू हम जो डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 70। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इट वाज डिसाइडेड दैट the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, a section of class 1 will plant one tree. जैसे class 1 तो one tree, class 2 है तो उन्होंने 2 tree plant किया, ऐसे so on till class 12 तक। There are 3 sections. अब जो क्लास है उनके 3 सेक्शन है हमारे पास, ईच ऑफ 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, तो टोटल कितने प्लांट किए ट्री ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसका जो सॉल्यूशन है 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं इसको। इन एक स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग, अब देखिए क्लास 1 हर एक क्लास के कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है और 12 तक है। तो क्लास 1 है तो वन ट्री प्लांट करेगा, सेकंड है तो 2 ट्री प्लांट करेगा, थर्ड क्लास है तो 3 ट्री, ऐसे 12th क्लास है तो 12 ट्री प्लांट करेगा। और ईच क्लास के जो सेक्शन है वो 3, तो हम 1 बाय 1 निकालते हैं। टोटल ट्री प्लांटेड बाय क्लास 1, क्लास 1 में 3 सेक्शन है और क्लास 1 ट्री प्लांट करता है, सेक्शन 3 इट मींस 1 × 3 3 सेम एज टोटल ट्री। प्लांटेड बाय क्लास 2 ये फर्स्ट क्लास होगी, ये सेकंड क्लास 2 ट्री प्लांट करता है लेकिन सेक्शन 3 है, इट मींस 2 × 3 = 6। टोटल ट्री प्लांटेड बाय क्लास 3 3 ट्री प्लांट करेगा, सेक्शन 3 है तो 3 × 3 = 9 ऐसे सो ऑन। टोटल ट्री planted by क्लास 12 ट्री प्लांट करेगा, सेक्शन 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 3 = 36। तो हमें सम फाइंड करना है, हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स ने टोटल ट्री कितने प्लांट किए ये हमें फाइंड करना है, इट मीन्स सम फाइंड करना है। अब देखिए जो गिवन सीरीज है वो हमारे पास ए बी में बन गया 3, 6, 9, एंड सो ऑन। लास्ट में हमारे पास क्या है 36। लास्ट टर्म हमारे पास 36, फर्स्ट टर्म पता है डिफरेंस निकाल सकते हैं, तो हम 12 टोटल क्लास कितनी 12 तो इट मीन्स 12 जो टर्म का सम फाइंड कर लेंगे। तो फॉर्मूला हम यूज करते हैं 12 टर्म्स का, SN = n/2 2a + n - 1 × d। आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, SN = n/2 a + an, क्योंकि हमारे पास ये लास्ट टर्म गिवन है और फर्स्ट टर्म भी गिवन है। तो आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, चाहो तो ये आंसर सेम ही आएगा, मिस्टेक किसी में भी नहीं है, तो कोई सा भी आप यूज़ करते हो, शॉर्ट ये पड़ेगा। तो हम सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हेयर फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन ए पी में 3 है, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं हम, a2 - a1। सेकेंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म माइनस करें, 6 में से 3 माइनस करेंगे, इट मीन्स 3। और an लास्ट वाली टर्म्स हमारे पास कितनी है 36 है, तो वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूले सेकंड में। और n की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12 क्लास है, क्लास 1 से और क्लास 12 तक टोटल n की वैल्यू कितनी है 12। तो हम फाइंड करेंगे, इसमें तो वैल्यूज पुट करेंगे, पुट द वैल्यूज एस स्क्वायर इक्वल टू 12 अपॉन वैल्यू ऑफ ए इज 3 प्लस वैल्यू ऑफ एन इज 36। सिंप्लीफाई करेंगे एस स्क्वायर इक्वल टू 12 में 2 का डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 36 प्लस 3 39, 39 × 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 9 × 6 = 54, 5 कैरी 6 × 3 = 18, 18 + 5 = 23, 234। इट मीन्स तो एक लाइन नोट करेंगे हम, हैंस टोटल ट्री, टोटल trees planted by the students is equal to 234. That is answer.